अपने दिमाग की सारी ताकत एक जगह लगानी होगी, एक मंकी की तरह सोचना होगा। शहर के बाहरी इलाके में घूमते हुए मुझे एक सुपर रोबोट पड़ा मिला। उसके पास से मेरी जिंदगी प्राइमेट की चमत्कारी ताकतों से भर गई। रोबोट मंकी जाग उठे और मुझे चीरो को उनका लीडर बना दिया गया। हमारा काम शुगासुम शहर को स्केलेटन किंग से बचाना। ठीक है तुमने मुझे हरा दिया, मैं हार मानता हूँ। ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म। मैंने सब कुछ आजमाया नोवा, हर वो पैतरे जो तुमने सिखाया था, मगर वो काफी नहीं था। सिर्फ अपने अंदर के प्राइमेट को ताकत बनाकर लड़ना काफी नहीं होता चीरो, तुम्हें गहराई तक जाना होगा और अपने अंदर के सोए हुए जानवर को जगाना होगा, समझे तो? तुम्हारे लिए कहना आसान है क्योंकि तुम खुद एक मंकी हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, बहुत हुआ। चीरो चीरो, नोवा, हमने ट्रांसमीटर में आई गड़बड़ी का पता लगा लिया। तो बताओ एंटोरी, तुमने क्या पता लगाया? ये सिग्नल हमें सोटोरिक 7 से मिल रहे हैं। ये आउटर रिम पर ऐसा ग्रह है जहाँ कोई नहीं रहता। एकदम अजीब तरह की तरंगे हैं, मैंने आज से पहले कभी इस तरह का सिग्नल कोड नहीं देखा। हम इस ग्रह पर कब उतरेंगे? वाह 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 वाह, जरा ठहरो तो बच्चे, तुम जानते हो ऐसा करने का क्या नतीजा हो सकता है? बहुत बुरा, हम सबकी जान भी जा सकती है। स्पार्क्स को तो हर जगह खतरा ही खतरा नजर आता है। कोई बड़ा सा मॉन्स्टर आकर हम सभी को पकड़ लेगा और खा जाएगा, है ना? मजा आ जाएगा। क्यों? देखो, इको कंप्यूटर्स दिखा रहे हैं कि सॉटरिक 7 पहले एक हरा भरा ग्रह था, मगर अब वो एक पूरा का पूरा रेगिस्तान बन चुका है। सब लोग अपनी जगह ले लो, हम वहाँ उतरने वाले हैं। Crusher Cruiser 5, go! This Rocket 4, go! This Rocket 3, go! This Scrambler Pilot 2, go! Go! Toto Tank Driver 1, go! Super! Robot! Monkey! Team! Hyper! Go! अब हम सोटोरिक 7 के घेरे में प्रवेश कर रहे हैं। Gibson, रिपोर्टो! ट्रांसमीटर के अनुसार यहाँ की जमीन सूखी और बंजर है। मैग्नेटिक फील्ड्स कमजोर हो रही हैं। कंप्यूटर खराब हो गए हैं। नेविगेशन भी बिगड़ गया है। क्या हो गया है? तुम लोगों को ऐसा बर्दाश्त क्यों कर रहे हो? ऑटो, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम लोगों को हुआ क्या है? तुम लोग ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? जैसे कि तुम मंकी हो, जरूर यहाँ के वातावरण में कुछ घुल मिल गया है, उससे हमारे सारे कंप्यूटर्स खराब हो गए हैं, तुम्हारे दिमाग के भी। मुझे ये ग्रह बिल्कुल पसंद नहीं है। मंकी टीम, हे रुक जाओ, ऐसे भागो मत।
तरह मर गए। दोस्तों ये नुकीली चीजें यहाँ से दूर हटाओ नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। आ? ये यहाँ कैसे पहुँचा? कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए हो? कौन हो तुम लोग? यहाँ सवाल हम पूछते हैं नन्हे मुन्ने बच्चे। मेरी ताकत। इसे जल्दी सीधा बैठाओ। सुनो तुम लोग, मेरा रोबोट क्रैश हो गया और मैं यहाँ अपने मंकीज के साथ उतरा हूँ, मगर वो भाग गए हैं। क्या आप उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? यहाँ ठहरो अजनबी, ये है विलेज ऑफ थ्रैश। मरने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती। मजा करना तो आता है। मजा? मजा किस चिड़िया का नाम है? हम तो बस इनाम के लिए मुकाबला करते हैं। इनाम? मोंगो, क्यों परेशान कर रहे हो तुम हमें? गुस्ताखी माफ लॉर्ड्स कर, इस बच्चे को बाहरी इलाके में घुसते हुए पकड़ा है। वो महान आत्मा जो हमारी हिफाजत करती है उसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं। कैसी महान आत्मा? तुम्हारा मतलब ये डरावना पुतला? खामोश, थ्रैश ने मुझसे बात की है और उसका हुक्म है कि तुम्हें सजा दी जाए। मुझ में ताकत नहीं है। खैर यही ताकत काफी है। कसकर पकड़ो। तुम हो इनाम और वो भी मेरे लिए। तुम्हारा शुक्रिया अजनबी बच्चे। अजनबी, तुमने खुद को साबित कर दिया, तुम इनाम के हकदार हो। जो चाहो ले लो मेरे दोस्त। मुझे बस अपने मंकीज वापस चाहिए। स्कर्ग, इंसानों जैसे तकरीबन इतने बड़े। अपने आप को जानवरों से मत जोड़ो, तुम एक इंसान हो। देखो हम क्रैश होकर इस रेतीले ग्रह पर उतर गए हैं। जैसे हम, इस आसमान ने हमारा यान भी यूं ही यहाँ गिरा दिया था अरबों साल पहले। तुम मेरी तरह हो, ताकतवर, बहादुर। मेरे लोग तुम्हें पसंद करते हैं मगर मैं नहीं। सॉटोरिक सेवन पर बस एक ही बादशाह हो सकता है, मैं। सुनो अजनबी, चार घंटे बाद ये सूरज तुम्हारी हड्डियों को भी पिघला देगा। मुझे ऐसे ही दुनिया में आना था जहाँ दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पांच, पूरे पांच सूरज है। Uh-uh.
सारी दुनिया मेरे ही खिलाफ क्यों हो गई है? ऑटो नीचे आओ। ठीक है, मैं ऊपर आता हूँ। अच्छा है। अच्छा, तो अब तुम मेरे दोस्त बन गए हो। भला मानो या बुरा, हम तीनों अब जानवर बन गए हैं। क्या लगता है हम यहाँ जिंदा बच पाएंगे? पता नहीं बच्चे, हमारे खाने के लिए कुछ नहीं है, शायद हमें ऑटो को मारकर खाना पड़ेगा। ठीक है स्पार्क्स, पर इसका लोहे वाला हिस्सा तुम्हें ही खाना पड़ेगा। ठीक है। याद आया मुझ में ताकत नहीं है। बहुत अच्छे मेरे प्यारी मंकी टीम। ठीक है, मैं भी तुम्हें याद कर रहा था। शहजादे, वो अजनबी यहाँ वापस आ गया है। अरीना को लड़ाई के लिए तैयार करो। चाहते हो अजनबी, तो तुम्हें मुकाबला करना होगा। सुनो फोटोरिक सेवन के लोगों, तुम्हारे सामने पेश है आज तक का सबसे बड़ा मुकाबला। नोवा?
हुआ नहीं, अब ये मेरी खास योद्धा है। ये क्या अंदर का जानवर? ये क्या, हम पिंजरे में क्यों हैं? ऑटो, हमें यहाँ से बाहर निकालो। अभी निकलता हूँ चीफ। आप थ्रैश नहीं रहा, इसलिए तुम अब हम पर हुक्म नहीं चला सकते। स्कर्ग, मुझे मारना मत, मारना मत, मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हम यहाँ कैसे आए? हाँ, ये सब क्या हो रहा है? मेरे ख्याल से उस प्राचीन मूर्ति ने इस ग्रह की सारी ऊर्जा नष्ट कर दी थी। ना सिर्फ कंप्यूटर्स को खराब किया, बल्कि यहाँ का पूरा जीवन ही बर्बाद कर दिया और पूरे सॉर्टिक्स को मौत का एक विशाल पंजा बना दिया। बिल्कुल, गिब्सन का शक एकदम सही निकला। क्यों? हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं अजनबी, तुम बेफिक्र रहो, स्कर्ग अब कभी राज नहीं कर पाएगा। तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। शुक्रिया चिरो, पर अब यही हमारी दुनिया है और इसे फिर से बनाने की हमारी जिम्मेदारी है। इस तरह मैदान में हमारा मुकाबला खत्म हुआ। इसका मतलब तुम्हारे अंदर का सोया जानवर जाग उठा। हम सब इससे बहुत खुश हुए। हाँ, मगर ये कह रहा है कि हम सब पागल मंकियों की तरह बर्ताव कर रहे थे। मतलब सोचो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? और साथ में एंटोरी भी। पता नहीं, मुझे तो यकीन नहीं होता, हम सब तो समझदार लोग हैं। बिल्कुल है, मैं तो ये मान ही नहीं सकता कि मैं कभी कोई ऐसा बुरा बर्ताव कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम सबसे ज्यादा समझदार हूँ। अब तुम बुरा बर्ताव मत करो ऑटो, चलो जल्दी सॉरी बोलो।